स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। तुमने पलट कर भी नहीं देखा, यू जस्ट इसके साथ घूम रही हो। मैं घूम नहीं रही हूँ शगुन, मैं घूम नहीं रही हूँ। मैं 2 सालों के लिए सलाखों के पीछे थी। मैं अपने परिवार से दूर इसलिए थी क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरा परिवार रोज रोज न परेशान हो मेरे कारण, इसलिए मैंने उन्हें दूर रखा। पर शगुन तुमने क्या किया? मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी मेरे परिवार का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो, साफ साफ लिखा था चिट्ठी में, लेकिन मेरा परिवार तो बिखर गया। तुमने किसी का ख्याल नहीं रखा, तुमने क्या? मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। एंड इशिता, मेरी भी जिंदगी है। ये परिवार तुम्हारा था जिसे तुम छोड़कर चली गई। इसी परिवार को तुमने मुझसे छीना था ना? क्यों छीना था? तुम सब कुछ छोड़ के चले गई। मैनेजर हूं ना? You don't know how to manage your time? Idiot. Aati, क्या था? पापा तुमसे ऐसे बात क्यों कर रहे थे? वो तुम्हें मैनेजर क्यों बुला रहे थे? क्या सोच रहे हो? ये सब तुम्हारा किया है। तुम्हारे किए की वजह से पूरा परिवार भुगत रहा है। ये मैनेजर, रमन का स्ट्रेंज बिहेवियर, इट्स ऑल थैंक्स टू यू। एंड बाय द वे शीता, तुम यहाँ कर क्या रही हो? किससे सवाल पूछ रही हो? क्यों सवाल पूछ रही हो? रमन आया था ना तुमसे जेल में मिलने, तुम्ही ने उसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ, मत मिलो मुझसे। तब तुम्हें नहीं सूझी कि रमन का क्या होगा, पूरे परिवार का क्या होगा। अनन्या के साथ जो तुमने किया ना, अनन्या का टॉपिक मत शुरू करो अभी। बात खत्म हो चुकी थी इशिता, लेकिन यहाँ पर आके तुमने ही ये सब शुरू किया है। रमन पर क्या बीती, परिवार का क्या हुआ? I mean, तुम वापस लौट कर आई, लेकिन तुम घर नहीं आई, तुम यहाँ हो, वो भी इसके साथ। क्यों शगुन, जेलस हो रही है? जस्ट शट अप। देख रही हूँ ना इसे, तुम ऐसे आदमी के साथ, What the hell are you thinking? Thank God for Simi, जिसने घर को संभाल के रखा, बिजनेस को संभाल के रखा। रमन के सिवाय घर पे सब कुछ ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सिमी ठीक है? उसी ने सब कुछ संभाल के रखा है। जिस परिवार को तुम बिखेर के गई थी, उसी ने समेटा है। तुमने पलट कर भी नहीं देखा, यू जस्ट इसके साथ घूम रही हो। मैं घूम नहीं रही हूँ शगुन, मैं घूम नहीं रही हूँ। मैं 2 सालों के लिए सलाखों के पीछे थी। मैं अपने परिवार से दूर इसलिए थी क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं चाहती थी कि मेरा परिवार रोज रोज न परेशान हो मेरे कारण, इसलिए मैंने उन्हें दूर रखा। पर शगुन तुमने क्या किया? मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी मेरे परिवार का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो, साफ साफ लिखा था चिट्ठी में, लेकिन मेरा परिवार तो बिखर गया। तुमने किसी का ख्याल नहीं रखा, तुमने क्या? मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। एंड इशिता, मेरी भी जिंदगी है। ये परिवार तुम्हारा था जिसे तुम छोड़कर चली गई। इसी परिवार को तुमने मुझसे छीना था ना? क्यों छीना था? तुम सब कुछ छोड़ के चले गई। मैंने तो जो भी किया था पीहू को बचाने के लिए किया, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? अशोक, पीछे से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मैं वही तो नहीं चाहती थी, इसलिए तो मैं दूर थी सबसे, और वही हो गया। क्यों?
हाय रमन भल्ला, आप बताइए आपके घर पे कौन कौन है? शादी हो गई आपकी? Are you okay? I'm not okay. क्या हुआ है इस मीटिंग में? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा था. All this is so confusing. You know, रमन जब मुझसे आखिरी बार मिले थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझसे बात नहीं करेंगे कभी दोबारा, मुझे कभी नहीं देखेंगे. और हम 2 साल बाद मिले थे. 2 साल, या तो मुझे देखकर मुस्कुरा देते या नाराज हो जाते, या तो वो प्यार से गले लगा लेते या धकेल देते. अशोक वो कुछ तो करते. This is so weird. उन्होंने कुछ भी नहीं किया. मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या. मैडम, I can understand. बहुत मुश्किल हो रही है मैडम, right? तुम नहीं समझ रहे हो. ये रमन नहीं थे. देखो तुम दोनों 2 साल अलग रहे. लोग बदल जाते हैं. लोग बदलते हैं, उनके दिल थोड़ी ना बदल जाते हैं. रमन अगर नाराज थे तो कुछ तो नाराजगी दिखाते, पर यहाँ तो बहुत अलग ही माजरा था. जैसे हमारे बीच में कभी कोई रिश्ता ही ना रहा हो. तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्या कहना चाहते हो? अशोक, रमन सबसे बहुत बुरी तरह से बात कर रहे थे, पर अशोक खन्ना से उन्होंने बात कर ली. ऐसा लगा जैसे वो तुमसे बुरी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन खराब है, पर वो नाराज नहीं लगे तुमसे. अरे वो तो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाते, पर तुम्हारे साथ एक टेबल पर बैठकर बिजनेस डील करना, ये जानते हुए कि तुम्हारा पैसा लग रहा है, उन्होंने मेरे साथ बिजनेस डील कर ली. सिर्फ पैसा चाहिए. It's nothing personal, just... वो पैसे के भूखे हैं ही नहीं ना, यही तो बात कर रही हूँ मैं. इतना कोई थोड़ी ना बदल सकता है. अगर वो मुझसे इतने ही नाराज होते तो फिर वो मुझसे बिजनेस डील करते ही नहीं. और नाराज नहीं है तो फिर ऐसे क्यों थे? तुमने देखा वो सवाल अशोक, वो सवाल कितना अजीब था कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है. मैं तो ऐसे ही पूछ लिया होगा. अरे ऐसा कोई भी पति अपनी पत्नी से कैसे पूछ सकता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? दैट्स कंफ्यूजिंग. अशोक, रमन, मुझे समझ नहीं आए. उन्हें देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया हो किसी ने. रमन, वो नहीं थे जिन्हें मैं जानती हूँ. अजीब थे. क्या? कब हुए सब? और इन बातों की कोई खबर नहीं है हमें? मुझे नहीं पता परम जी, मुझे कुछ नहीं पता. औरत की शक्ल देखती ना मेरा खून खोल जाता है. और मैं उस मीटिंग में इसलिए नहीं रुकी क्योंकि मैं वो मीटिंग खराब नहीं करना चाहती थी, वरना मैं पता नहीं क्या करती थी. हमारी कंपनी को पैसों की जरूरत है इसलिए सब. चलो, ये काम सही किया तुमने. बस मुझे ये डर है कि अगर उस औरत को पता चल गया कि हम रमन भाई के साथ क्या कर रहे हैं तो. परम जी, ऐसे तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा. और मैं इस औरत को छोड़ने वाली नहीं हूँ. जिस तरीके से इसने मेरी बेटी को तड़पाया होगा ना, मैं चाहती हूँ कि ये तड़पे. और इशिता और रमन के बच्चों को मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी. उनको मैं तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ अपनी बच्ची की तरह. समीर, तू चिंता ना कर. उससे जो मैंने कहा है तो सिर्फ वही काम कर. तू रमन के साथ रहे और पिछले 4 महीने से जो उसके साथ करती आ रही है ना, तू बस वही कर. अरे ये सब हमारे एहसानों तले दबे हुए हैं, हमें तो ये घर चला रहे हैं. पर परम जी, आप जानते हो ना वो इश्ता कितनी शातिर औरत है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी. हाँ, पर पिछले 2 सालों से वो रमन से दूर है ना. सिम्मो, तू टेंशन क्यों लेती है? मैं हूँ ना. चल मैं पता करता हूँ कि ये वापस क्यों आई है. ओके, लेकिन तब तक तू अपने आप को संभाल के रख. किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ा है. ठीक है.
इशिता बुदापेस्ट में अशोक के साथ और इन्वेस्टर्स। ये अच्छी खबर नहीं है, पता लगाना पड़ेगा मुझे। मधु ऐसे कैसे चलेगा, खा खाना खाओ। अगर इशू हमारे बारे में नहीं सोचती तो हम उसके बारे में क्यों सोचें, हम भी नहीं सोचेंगे। खाओ खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा पता नहीं खाना खाने के टाइम पे क्यों। जी ओ तू पराओ मर। अरे ऐसे किस, ओए होए बल्ले बल्ले, क्या शान से डिनर शिनर चल रहा है, हमारी जिंदगी पसूड़ी में डाल के इतने आराम से बैठ के तुम लोग खाना खा रहे हो। ओए बताया क्यों नहीं कि इशिता जेल से छूट गई है और किधर छुपा के रखा हुआ। बोलो ए, ये तुम क्या बोल रही हो संतोषी, इतनी भोली ना बन मद्रासन। मैंने पता है पहले तूने अपनी बेटी को छुपाया और फिर मेरे रमन के पीछे उन्होंने बुदापेस्ट भेज दिया ताकि उधर जाके वो उसकी जिंदगी खराब करे। और भेजा भी किसके साथ, उस वाहियात अशोक के साथ। शर्म तो नहीं आई तेनू, और वो हमारा बिजनेस खरीदना चाहता है दूर फिटे मुंह। ये क्या कह रही हैं आप, इशू बुदापेस्ट में। मैं तुमको बोल रही हूँ संतोषी, हमको इसका कुछ पता नहीं था, अभी अभी पता चला जब तुमने बताया कि बुदापेस्ट में है और अशोक उसके साथ है, ये सब अभी पता चला हमको। बिल्कुल बकवास कर रही है तुम, अब भी तू अपनी बेटी के करतूतों पे पर्दा डाल रही है। हो रहा हूं। बहुत बहुत बोलिए, इतना कुछ हुआ हम दोनों फैमिलीज के बीच फिर भी तुम्हारी चिल्लम चिल्ला बंद नहीं होती। अच्छा तो हुन तू मैनू बताएगी कि क्या शोभा देता है और क्या शोभा नहीं देता। हां तू, अरे अगर अपनी बेटी को भी संभाल लेती ना तो आज ये लड़ाई नहीं खड़ी होती कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। बस कीजिए आंटी, आप कुछ भी मेरी अम्मा को बोल रही हैं। उन्होंने बोला ना कि उनको नहीं पता कि इशू कहाँ है। लेकिन आपकी घर की बेटी के बारे में आपको ही नहीं पता, ये हम कैसे मान लें। अरे नहीं पता तो नहीं पता है, अब कैसे यकीन दिलाएं तुम्हें। अब तुम लोग इज्जत से यहाँ से जा रहे हो या मैं गार्ड्स को फोन करूं। I'm really sorry. I'm sorry. मम्मी जी मैंने गल कर रहे थे। मम्मी जी प्लीज कमाल है, ले जाओ ना मम्मी जी को प्लीज। झूठ बोलते हैं, मेरे बेटे के पीछे उसको भेज दिया उधर ताकि उधर जाके जिंदगी खराब करे फिटे मुंह। विश्वा यीशु बुदापेस्ट में है, कसूर भी खुद का और खुद ही हमारे ऊपर बकवास कर रहे हैं। एक कोई गल हुई भला, कमाल है। इन लोगों को नहीं पता है कि इशिता बुदापेस्ट में है, यानी कि उस औरत ने कुछ प्लान जरूर किया और सबसे छुपा रही है। पर क्या स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।